हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट टू पेपर 4A इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी में टॉपिक इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। ये नक्शा ठीक तब का है जब ये यूएसएसआर से ब्रेक होने का टाइम था, जब रशिया जो यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक जो थी 1990 में टूटी है। तो ये सबसे बड़ा जो इसका देश बचा वो फॉर्मर यूएसएसआर बचा, और इसके बाद बाकी 14 देश हो गए। ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये है एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये यूक्रेन, मोल्दोविया, और फिर यहाँ पर हो जाएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये है 15 इनका लिस्ट है, फिर से पढ़ दूं, आर्मेनिया, मोल्डोवा, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान और रशिया। आप देख सकते हैं कि आज का रशियन फेडरेशन जो है, इसकी राजधानी मॉस्को, इसके ऊपर देखें तो बैरेंट सी है, कारा सी, लैप्टेव और साइबेरियन सी, इसके पूरब में बेरिंग सी है, और ये कामचटका, ये आज के डेट में रूस के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ये क्षेत्र है जहां पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की खुदाई भारत के ONGC के साथ अभी चल रही है, और ये सी ऑफ ओखोत्स्क, और इसके इधर जापान है, और दक्षिण में मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान इसकी बाउंड्री बनाते हैं, और ये जो रूस है इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए, तो जब 1928 में जार को हटाने के बाद जब इन्होंने इसको पूरा सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया, उसके बाद से 3 सेंटर इनके डेवलप हुए इंडस्ट्री में, लेनिनग्राद, मॉस्को और यूक्रेन, और डोनेस बेसिन जो है यहाँ पे कोयला, आयरन को लेकर काफी रिच था। ये पूरा ये यूराल पहाड़ी से लेकर ये दक्षिण यहाँ तक का क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा इनका आयरन ओर एंड कोल ओर की वजह से, और यूराल की पहाड़ियां, ये यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करते हैं, और इन्होंने फिर 5 ईयर प्लान शुरू किया था जो भारत में भी 1951 से अडॉप्ट किया गया। 1990 में यूएसएसआर टूट गया 15 देशों में, लेकिन इसका जो इंडस्ट्रियल बेल्ट थे वो वैसे ही रहे। मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देखें तो ये हो गया आपको जो कुजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये मॉस्को है, और वोल्गा, यूराल का ऑयल फील्ड यहाँ मिल जाएगा, और ये डोनेस बेसिन है, वोल्वोग्राद हो गया, वोल्गा हो गया, कुजनेस बेसिन हो गया, तो ये लोग कोयला, आयरन, गैस, और आज के डेट में कैस्पियन सी के किनारे से जो इनको गैस मिलने लगी है, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से इनका ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट है, या यूरोपियन कंट्रीज को नेचुरल गैस जो हाउस की हीटिंग के लिए ये प्रोवाइड करते हैं, तो आज ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इनकी बन चुकी है। इंडस्ट्रियल रीजन 6 है यहाँ पर, मॉस्को, यूक्रेन, डोनेस बेसिन, नीपर बेसिन, लेनिनग्राद, कुजबास और कॉकेशस। जो मॉस्को रीजन है ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, और यहाँ पर जैसे तुला और कैलिनिन बहुत बड़े 160 किलोमीटर दूरी पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं, या ये आप कह सकते हैं कि इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स का, कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसी के बेसिस पे हमारे देश में भी EEG का कॉन्सेप्ट लाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया, कि ऐसा यूनिट बनाया जाए जहां पर सारी चीजें जो मेन प्रोडक्शन हो, जैसे मान लो मेन प्रोडक्शन, और उसके साथ जैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसका ग्लास से लेकर, उसका टायर से लेकर, उसका लिब्रिकेंट से लेकर, हर चीज का प्रोडक्शन आसपास की यूनिट्स में होता हो, और इस तरीके के अलग अलग रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे भारत में IT सेक्टर में जो डेवलप किए गए ये काफी सक्सेसफुल हुए, उस तरीके के रूस में रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए, तो ये कुछ उसी तरह का है जो मॉस्को में पाए देखा गया है। तो इसमें टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग के मुख्य सेंटर हैं ये। यूक्रेन और डोनेस बेसिन जो है ये भी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जो कि आयरन और कोयला पर बेस्ड है। फिर नीपर बेसिन ये भी इसी के लिए है, आयरन और कोयल और मेन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, और ये आयरन फील्ड जो है क्रिबोय रॉग वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, बहुत रिच है, अच्छी क्वालिटी का आयरन यहाँ पर मिलता है।
लेनिनग्राद जो कि कोयला तो नहीं है लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बेसिस पे है, और यहाँ टिम्बर और जो पेपर और लुगदी सेलुलोज इसके जो इंडस्ट्री है ये डेवलप किया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल है। यहाँ कुछ बास बेसिन है जो है ये ओब नदी के पास है। एक बार आपको इंस्टाग्राम में दिखा दें कुछ बास, ये है ओब नदी, ये इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ बास ओब नदी के किनारे का जो कोयला का क्षेत्र रिजर्व है उस पर बेस्ड है, और पूरा यहाँ पे सब्सिडी केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी काफी सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद फिर कॉकेसस की पहाड़ी का जो रशियन साइड है वहाँ मिनरल ऑयल, कोल और मेटालिक मिनरल्स के लिए। तो ये तो हो गए ट्रेडिशनल। और आज के डेट में आप एक ऐड करेंगे कैस्पियन सागर के किनारे, यानी कि जो जो ये क्षेत्र है, एक तो ये कॉकेसस के किनारे जो अभी हमने देखा, और ये जो है कैस्पियन के साथ जो अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया भी इसमें आप ले लें क्योंकि ये इनसे अलग हुए हैं। लेकिन जहां बात इकोनॉमी और फाइनेंस की और डिफेंस की होती है तो उसमें रशिया के ही अंदर ये लोग आते हैं। तो ये कैस्पियन सी का नेचुरल गैस जो है इसको ये पूरे यूरोप में इसको एक्सपोर्ट करते हैं और इससे इनका बिजनेस है। और आपको मालूम है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, जो कि आपको लेनिनग्राद से लेके व्लादिवोस्तोक तक है, वो पूरा का पूरा रशिया को ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करती है, और इसके थ्रू सारे रिसोर्सेज भी मूव होते हैं, डिफेंस के भी काम आती है, और यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ भी है। धन्यवाद।